Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 20 October 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So hum yahan The Hindu and The Indian Express se jo bhi important articles hain, news hain jo hamare exam ke liye important ho jati hain, unhe hum discuss karne wale hain. To chaliye aaj ke topics dekhte hain which we are going to cover here. First article here is Kala Azar. To Kala Azar kya hai, kaise disease hai, yahan par ye news mein kyun hai, hum ise discuss karenge. Second article hai hamara redesign प्रोग्राम्स फॉर टीवी. तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी टीवी के लिए जो कुछ प्रोग्राम्स उसको रीडिजाइन किया है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद हमारे कुछ स्नैपशॉट्स हैं, इसमें छोटी छोटी आपकी कुछ न्यूज आ जाती हैं, फैक्ट्स आते हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए आज वैसे तो ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन तीनों जो हमारे ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, तो हम इन्हें अच्छे से यहाँ पे डिटेल में इनका डिस्कशन यहाँ करेंगे. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले आपको इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ के लिए बता दिया जाए कहाँ मिलेगी. एडूवर्स आईएएस, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. यू कैन ज्वाइन दिस चैनल वी आर लिंक विच इज प्रोवाइडेड इन आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स यहां पर कवर हो. चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला आर्टिकल देखते हैं. इंडिया टू सीक सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO फॉर एलिमिनेटिंग काला अजहर. तो यहां पर क्या हुआ, इस काला अजहर को हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं. क्या? ब्लैक फीवर, इसे हम ब्लैक फीवर कहते हैं. तो इंडिया में हम बात कर रहे हैं, लगातार दो सालों से हमने जो नंबर ऑफ केसेस है उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है. मतलब अगर 1000 लोग हैं तो उस 1000 में सिर्फ आपको एक या दो केसेस मिलेंगे, इससे ज्यादा यहां पर केसेस नहीं मिलेंगे. सो काला अजहर इज स्लो प्रोग्रेसिंग इंडिजीनियस डिसीज कॉज बाय अ प्रोटोजोअन पैरासाइड ऑफ जीनस लेस्मैनिया. तो ये जो पैरासाइड, एक पैरासाइड है, इसका नाम क्या है, लेस्मैनिया. इसके थ्रू क्या होता है, यहां पर आपके जो ये ब्लैक फीवर है ये धीरे धीरे स्लो, बहुत ही स्लोली ये आपका क्या होता है, स्प्रेड होता है. इंडिया में बात करते हैं, इन इंडिया लेस्मैनिया डोनोवानी इज द ओनली पैरासाइड कॉजिंग दिस डिसीज. तो यहां पर इंडिया की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. सो इंडिया में कौन सा है, लेस्मैनिया डोनोवानी. ये एक ऐसा पैरासाइड है इंडिया में, ये वाला पैरासाइड है जिसकी वजह से जो डिसीज है आपकी स्प्रेड हो रही थी. ठीक है, सो द पैरासाइट प्राइमरी इन्फेक्ट द रेक्टिनो इंडोथेलिया सिस्टम एंड मे बी फाउंड इन अबेंडेंस इन बोन मैरो, स्प्लीन एंड लिवर. तो ये पैरासाइट क्या करता था, हमारा जो बोन मैरो है, स्प्लीन है, लिवर है, इसमें बहुत ही अबेंडेंस अमाउंट में पाया जाता है. और हमारा जो सिस्टम है ना, रेटिकुलो एंडोथेलिया जो सिस्टम है, इसको ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है. सो और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अब ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इसका ट्रीटमेंट कराया, सारी चीजें कराई, धीरे धीरे ये जो आपकी बीमारी है वो क्या हो रही है, सही हो रही है. तो पोस्ट काला अजहर में ये फिर क्या करता है, डर्मल लेस्मैनियासिस आपका हो जाता है. कंडीशन होती है इसमें जो कि हमारी स्किन सेल्स को क्या करती है, इन्वेड करती है. आपने ये वाली पिक्चर यहां पर देखी, ये देखें, ये पोस्ट काला अजहर की डिसीज है ना. ये फिर हमारे स्किन को क्या करती है, यहाँ पर इन्वेड करती है और इस तरीके की चीजें हमारे स्किन सेल्स में और वहां पर जो रिजाइड्स एंड डेवलप देयर मैनिफेस्ट एंड डर्मल लेशन से यहाँ पर आपका वो करती है. ठीक है, तो अभी हमने क्या इंडिया की बात कर रहे हैं, द इन्फेक्शन रिपोर्टेड मोस्टली फ्रॉम बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ यूपी. ज्यादातर इंडिया में यहां पर केसेस आपको बिहार, झारखंड, इस रीजन में ज्यादा देखते थे. इट कॉज बाय पैरासाइटिक ट्रांसमिशन एंड बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई. ये जो फीमेल सैंड फ्लाई है इसके थ्रू भी क्या होता है, आपका ये स्प्रेड होता है. इसमें सिम्टम्स वही, अब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं. देखिए, सो इट इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट रेल लेस्मैनियासिस और ब्लैक फीवर, इसको हम कहते हैं. ये आपके थ्री टाइप्स के होते हैं. ठीक है, कितने टाइप्स के, थ्री टाइप्स के. इंडिया में कौन सा था, आपका ये फर्स्ट वाला जो टाइप है. सो वेस्ट रेल लेस्मैनियासिस विच अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन, ये क्या करता है, हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है एंड इज द मोस्ट सीरियस फ्रॉम द डिसीज. फिर नेक्स्ट आपका कौन सा टाइप है, क्यूटेनिशियस लेस्मैनियासिस विच कॉज स्किन सोर्स. उसके बाद ये पहले ये वाला होता है, उसके बाद ये आपकी जो स्किन में सोर्स हमने अभी देखे थे, ये आप इस पिक्चर में देखेंगे, आपको थोड़ा क्लियर होगा. इस तरीके की चीजें आपकी स्किन में होती हैं. ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं थर्ड वाला, म्यूकोटेनियस लेस्मैनियासिस विच कॉज स्किन एंड म्यूकोसल लेसन. सो इट इज अ डेडली पैरासाइट डिसीज, ये आपका डेडली पैरासाइट डिसीज है. ठीक है, इसकी वजह से लोगों की जान भी यहां पर जाती है. ज्यादातर आपको ये केसेस कहां पर, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में दिखाई देंगे. ठीक है, ट्रांसमिशन किसकी बात करते हैं, सो ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल फ्लेबो
फ्लेबिटोमाइन सैंडफ्लाई। तो ये फ्लेबिटोमाइन सैंडफ्लाई के थ्रू ये क्या होता है, अगर वो आपको बाइट कर लेती है तो ये आपके ह्यूमन में मतलब कि इंसानों में ट्रांसफर हो जाता है। सिम्टम्स आपकी वही है, फीवर होता है इसमें, वेट लॉस होता है, इवन एनीमिया भी हो जाता है ना, जिसमें इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन। हमारा जो लीवर है, आप सभी को पता है लीवर और जो स्प्लीन है, इसमें इनलार्जमेंट यहाँ पर मतलब वो जो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। प्रिवेंशन की बात करते हैं, सो इसमें यही है कि जो ब्रीडिंग साइट्स हैं मॉस्किटोज की एंड सैंडफ्लाइज की, उसको हमें उसको रिड्यूस करना है। दिस कैन बी अचीव थ्रू यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, बेड नेट, रेपेलेंट, एज वेल एज द इम्प्रूवमेंट ऑफ हाउसिंग कंडीशन एंड अक्रॉस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इंडिया की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू अचीव इट्स गोल ऑफ एलिमिनेटिंग ब्लैक फीवर फ्रॉम इंडिया बाय 2023। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि 2023 तक हमें क्या करना है, यस ब्लैक फीवर को एलिमिनेट करना है। इसके लिए हमने पक्का हाउसेस थ्रू पीएम आवास योजना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, पीरियडिक हाई लेवल रिव्यूज, यहाँ पर सारी चीजें की गई हैं। यहाँ पर और जो लोग हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया कि किस तरह से हम डिटेक्शन कर सकते हैं, सर्वेलेंस, ट्रीटमेंट, सप्लाई ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स, मेडिसिन एंड स्प्लीन। सो ये है आपका वो फीमेल पैरासाइट जिसके थ्रू ये क्या होता है, आपका स्प्रेड होता है। आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। रीडिजाइन प्रोग्राम्स कैन इम्प्रूव टीबी ट्रीटमेंट आउटकम्स। देखिए टीबी का कॉज होने का मतलब जो टीबी पेशेंट्स होते हैं, वन ऑफ द मेन रीजन वी विल से हियर, नॉट द ओनली रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन, यहाँ पर जो आपका एक मेन रीजन है टीबी का वो क्या है, अंडर न्यूट्रिशन। क्या है, अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कि आपको क्या है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ड्यू टू दैट रीजन ये क्या होता है, आपका टीबी डिसीज यहाँ पर आपको होती है। इतना क्लियर हुआ? तो इस चीज को यहाँ पर न्यूट्रिशन जो सपोर्ट है फॉर टीबी पेशेंट, इसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर पहले आप सभी को बताया कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर क्या किया है, जो भी टीबी पेशेंट्स है जब तक उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चलेगा तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पहले 500 रुपीज मिलते थे, कितने 500 रुपीज मिलते थे, अब इसको डबल कर दिया है, इसको आप कितना 1000 यहाँ पर कर दिया, कितना 500 से 1000 यहाँ पर कर दिया। अंडर द रिवाइज्ड निक्षय पोषण योजना, पहले ये निक्षय पोषण योजना के तहत था, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 3000 विल बी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। देख जैसे आपको यहाँ पर पता चला कि हाँ मुझे क्या है, यहाँ पर टीबी है, तो उसी टाइम से आपको क्या होने लगेगा, मतलब कि आपको यहाँ पर अमाउंट मिलने लगेगा जिससे कि आप क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर न्यूट्रिशन ले सके। तो चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी फाउंड नो रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट अंडर एनपीवाई वॉज एसोसिएटेड विद अ फोर फोल्ड हायर रिस्क ऑफ एडवर्स आउटकम। देर इज ऑल्सो प्रपोजल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी डेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स फॉर अंडरवेट पेशेंट्स फॉर 2 मंथ। तो यहाँ पर जो अंडरवेट आपके पेशेंट्स हैं तो उनको यहाँ पर जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं है ना, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। राशन ट्रायल यहाँ पर फाउंड किया गया है जिसमें सपोर्ट हमें क्या करना है, ज्यादातर जो वेट गेन पर फोकस करना है और जिससे कि हम जो हेल्थ रिस्क है मतलब कि जो डेथ रिस्क है उसको हम 50% तक क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। गिवन द प्रेवलेंस ऑफ सीवियर अंडर न्यूट्रिशन इन टीबी पेशेंट्स, 2 मंथ्स ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट मे नॉट बी सफिशियंट। लेकिन 2 महीने तक अगर आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें तो 2 महीने का न्यूट्रिशन इतना सफिशियंट नहीं होगा, हमें इसके लिए ज्यादा टाइम तक उन्हें क्या करना होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। सो कमर्शियल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रिस्क हायर कॉस्ट, मिस्टिफिकेशन, लोअर एक्सेप्टेबिलिटी एंड लोअर टर्म सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर कमर्शियली यहाँ पर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और अलग करना होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टीबी के बारे में ही बात करें। ट्यूबरकुलोसिस ये आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है थ्रू इनहेलिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, द पर्सन ए इज इन्फेक्टेड फ्रॉम टीबी। अब इसने आप इस पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, लाइक स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, और उन ड्रॉपलेट्स के कॉन्टेक्ट में अगर आप आते हैं तो टीबी क्या होता है, आपका यहाँ पर स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, इट इज मेनली अफेक्ट द लंग्स, ये हमारा जो लंग्स होता है उसको मेनली अफेक्ट करता है। एंड विद दैट द टाइम जैसे जैसे यहाँ पर इवेंचुअली क्या होता जाता है, यहाँ पर हमारा जो अदर ऑर्गन से ये इसको भी क्या करता है, इवन नर्वस सिस्टम को भी ये आपका अफेक्ट करता है। टीबी इज पोटेंशियली सीरियस कंडीशन बट इट कैन बी क्योर्ड इफ इट
ट्रीटेड विद आर राइट एंटीबायोटिक्स. तो टीबी आपका एक सीरियस कंडीशन है, बट अगर हम इसमें प्रॉपर तरीके के एंटीबायोटिक्स लेते हैं सो वी कैन ट्रीट दिस टीबी. सिम्टम्स हमने यही बात की, जैसे वेट लॉस होता है, नाइट में स्वेटिंग होती है, हाई टेम्परेचर मतलब होता है आपकी बॉडी का, आपको बहुत थकान होती है, टाइटनेस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, नेक में आपको स्वेलिंग भी होने लगती है. टीबी आपकी यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ टीबी में आपको एक पल्मरी टीबी होती है जो कि मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, ठीक है. फिर लैटेंट टीबी होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना अब स्ट्रांग नहीं रहा कि जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको वो किल कर सके, तो आपको यहाँ पर लैटेंट टीबी होती है. एक्टिव टीबी की बात करते हैं, द इम्यून सिस्टम फेल्स और किल्स और कंटेन द इन्फेक्शन, इट कैन स्प्रेड विद इन अ लंग्स और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सिम्टम्स विल डेवलप विद इन अ फ्यू वीक्स और मंथ. दिस इज एक्टिव टीबी, मतलब जो बहुत जल्दी यहाँ पर आपका स्प्रेड हो रहा हो. ट्रीटमेंट अभी हमने बात किया कि टीबी कैन ऑलमोस्ट कैन बी क्योर्ड, है ना, अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो टीबी यहाँ पर आसानी से क्योर की जा सकती है. अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स यहाँ पर है, विल यूजली नीड टू बी टेकन फॉर 6 to 18 months. यहाँ पर 6 to 18 months हमने क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं. सेवरल डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं फॉर टीबी. लेकिन अब क्या हो रहा है, टीबी में भी एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी आपका आ रहा है, क्या ड्रग रेजिस्टेंस यहाँ पर टीबी आ रहा है, जिसकी वजह से जो हम कई बार देखिए अब ये जो कोर्स है कितने महीने का, 6 to 18 months, मतलब एक साल से ज्यादा का आपका ये कोर्स चल रहा है, 1.5 साल तक आपका ये कोर्स चलता है. और ये जो मेडिसिन होती है बहुत ही ज्यादा हैवी डोज की होती है, बहुत ही इनका जो साइज भी होता है ना, टेबलेट्स वगैरह देखेंगे वो बहुत बड़ा होता है. तो ये एंटीबायोटिक्स कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बीच में ही छोड़ देते हैं, है ना, वो जो आपका जो ट्रीटमेंट होता है उसको बीच में ही छोड़ देते हैं. इससे क्या होता है, उनकी बॉडी में धीरे धीरे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक और ड्रग, जिसकी वजह से आज के टाइम पर इंडिया में जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है बहुत ही ज्यादा आपका बढ़ रहा है. तो यहाँ पर अभी इसके लिए एक न्यू स्कीम आई है, आप लोग यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे. हमने इसको कई बार डिस्कस भी किया हुआ है कि ये जो यहाँ पर जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए एक नया कोर्स आया है, इसको इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है. ये 4 months का है, WHO के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है. इसमें हम क्या करेंगे, कुछ 2-3 आपकी मेडिसिन है, आप उन मेडिसिन का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहां पर बताएंगे, ठीक है. तो ये हुआ आपका टीबी. यहां पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, लाइक जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर इसमें बहुत ही ज्यादा आपका क्या हो जाता है, प्रिवेल हो जाता है. इसमें ये टाइम टेकिंग होता है, विद दैट यहां पर कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता, इसमें पैसे भी आपके लगते हैं, ठीक है. तो ये हुआ आपका टीबी. हम बात करते हैं कुछ स्नैपशॉट्स की. तो पहला है हमारा RSV वैक्सीन इफेक्टिव इन एडल्ट्स अगेंस्ट सीवियर डिसीज डेथ. तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, RSV रेस्पिरेटरी सिंस्ट्रिकल वायरस, ये आपकी एक वैक्सीन है. इसका यहां पर एनालिसिस किया गया है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसका डेटा हमारे सामने निकल कर आया है. दैट वैक्सीन हैज फाउंड द वैक्सीन टू बी हाईली इफेक्टिव इन ओल्डर एडल्ट. ये जो वैक्सीन है जो हमारे एडल्ट पीपल हैं उनमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है. लाइक यहाँ पर जो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण डेथ हो रही है ना, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, यहाँ पर आप ICU में आपको एडमिशन करना पड़ता है. तो ये जो है इसमें इस वैक्सीन की अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 80% आपको क्या करती है, यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड पोज डेंजर फॉर पीपल्स. तो यहां पर हम बात करते हैं, हम थोड़े देखिए इट इज वेरी ऑब्वियस, जो आपके अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं लाइक चिप्स हुए, बर्गर हुए, पिज्जा हुए, है ना, और आपके बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, तो ये जब हम इनका कंजप्शन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन अल्ट्रा प्रोसेस फूड में जो ब्लड शुगर का लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. सो लेवल इन पीपल विल, इससे क्या होता है, आपकी जो type 2 diabetes होती है वो प्रिवेल बढ़ने की चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाती है, एक स्टडी में यहाँ पर मिला है, ठीक है. सो इवन मोर देन जस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन डाइट, हैविंग मोर अल्ट्रा प्रोसेस फूड लेडन विद एक्टिविटीज कैन लीड टू हायर एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ. तो देखिए ठीक है, हमारे घर के खाने में जो सॉल्ट एंड शुगर रहता है वो ठीक है, बट विद दैट हम क्या करते हैं, बाहर का खाना भी खाते हैं और उस खाने में, उस सारे चिप्स में यहां पर जो शुगर का लेवल होता है, सॉल्ट का लेवल होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है. इससे क्या होता है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो यहाँ पर हाई हो जाता है और हमारी बॉडी पर उस ग्लूकोज को यहाँ पर एनर्जी में इतना ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाती. हर एक चीज की लिमिट होती है जिसकी वजह से आपको फिर वेरियस बीमारियां होती लाइक कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ओबेसिटी और अर्ली डेथ भी यहाँ पर हो जाती है. सो हमें यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि हम
हाँ ठीक है, हम मानते हैं कभी कभी हमारा मन होता है, लेकिन उसको हम कभी कभी ही रखें तो वो ज्यादा बेटर है, और हम उसको डेली अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम फायर्स इंक्रीजेस बाय 60%। तो ये कहा जा रहा है कि जब आग लगती है ना, तो उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होता है वो 60% क्या करता है, यहाँ पर जो एमिशन उसको इंक्रीज करता है। सो अ मेजर न्यू स्टडी रिवील दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स हैव सर्ज बाय 60% ग्लोबली सिंस 2001 एंड ऑलमोस्ट ट्रिपल इन सम ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट सेंसिटिव। तो देखो जो क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन है, लाइक आप बात करेंगे नेदर बोरल फॉरेस्ट में, तो जब जंगल में फॉरेस्ट में जब आग लगती है इसके कारण एक पैटर्न है, तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दिया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर है वो आपके इंक्रीज हुए हैं, और विद डैट यहाँ पर जो कार्बन का एमिशन है, CO2 का जो एमिशन है, इट इज ऑल्सो इंक्रीज, है ना, इट इज ऑल्सो इंक्रीज, आपका कार्बन का एमिशन भी यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमने यहाँ पर सारी डिस्कस कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।